वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चाइनीज वायरस की इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर होने का मूल मंत्र दिया था, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा परिवार भी है जो पिछले 50 सालों से ही इस मंत्र का पालन कर रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ देश की ग्रैंड ओल्ड फैमिली गांधी परिवार के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखें। आजाद भारत में आत्मनिर्भर होने का परिचय सबसे पहले पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद ही अपने आप को भारत रत्न देकर दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी कई बार आत्मनिर्भर होने की मिसाल पेश कर चुकी है। जैसे कभी माँ बेटे को पार्टी का अध्यक्ष चुनती है, तो कभी बेटा माँ को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बना देता है, और फिर कभी बेटा खुद ही अपने आप को पार्टी का अध्यक्ष चुन लेता है। अरे हंस मत, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का संविधान ही ऐसा है। हालिया मामला है राजमाता सोनिया गांधी का, जिन्होंने खुद ही खुद को दान देकर घोटाले में आत्मनिर्भर होने की मिसाल देश के सामने पेश की है। भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए चीन से 90 लाख रुपए की मोटी रकम हासिल की है। यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर चीन की सरकार राजीव गांधी फाउंडेशन को इतनी बड़ी रकम क्यों देने लगे? राष्ट्रीय बहुरानी एंटोनियो माइनो और उनका परिवार इतना आत्मनिर्भर है कि ये परिवार खुद ही खुद को पार्टी का अध्यक्ष चुन लेता है, खुद ही खुद को पुरस्कार भी दे देता है, और खुद ही खुद को घोटालों में क्लीन चिट भी दे देता है। और अब तो हद हो गई है, इस परिवार ने खुद ही खुद को दान का पैसा भी दे दिया। फर्क बस इतना सा है कि दान का ये पैसा देश के आम आदमी का है। इसमें इतनी चौंकने वाली बात कौन सी है? जो परिवार इस देश को अपने बाप की जागीर समझता रहा है, तो देश का पैसा भी तो उसी का हुआ ना। आपको डिटेल में समझाता हूँ। 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद 21 जून 1991 को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राजीव गांधी फाउंडेशन बनाई गई। यहाँ आपने एक बात पर ध्यान दिया, 21 मई से 21 जून यानी केवल एक महीना। जिस परिवार पर अचानक से इतनी बड़ी विपत्ति टूटी हो, उसे एक महीना तो इस सदमे से ही उबरने में लग जाता है। लेकिन सोनिया गांधी जी ने इस एक महीने में अपना धंधा भी शुरू कर दिया। शायद इसकी शिक्षा उन्हें इटली से ही मिली होगी। आपने क्या सुना, धंधा? अरे नहीं, मैंने कहा संस्था। अब मुझे भी जेल करवाओगे क्या? ये संस्था राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। आप लोग फिर गलत समझ बैठे, उनका सपना मतलब देश का सपना। जानकारी के अनुसार ये संस्था स्वास्थ्य, साक्षरता, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज जैसे विषयों पर काम करती है। कुछ बाकी तो नहीं रहा ना? नहीं। चलिए, इस संस्था ने देश सेवा के इतने काम किए हैं, क्या आपने कभी पढ़ा, कहीं सुना? नहीं ना। इसे कहते हैं देश सेवा। एक हाथ करे तो दूसरे को पता भी ना चले। और इस संस्था के काम जितने अनोखे हैं, उतने ही अनोखे हैं इस संस्था के ट्रस्टी, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका वड्रा, मनमोहन सिंह और पी घोटालमरम। अब आप ये मत कहना कि राजनीति में भी नेपोटिज्म हावी है। अरे भाई, आजकल निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग मिलते ही कहाँ हैं। जब इस संस्था के बही खातों की जांच की गई, तो पता चला कि इस संस्था को यूपीए सरकार के समय पीएम रिलीफ फंड से भी पैसा दिया गया था। यानी जो पैसा देश की जनता ने देश में आपदा के समय के लिए दिया गया था, वो पैसा इस संस्था को दे दिया गया। बेशर्मी की भी हद है। और जब थोड़ी और गहराई से जांच हुई, तो होश ही उड़ गए। 2005 से 2013 के बीच 7 मंत्रालयों ने इस संस्था को भी पैसा दिया था, जैसे गृह मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अरे रुको, थोड़ा सांस लो।
अभी कितनी और सरकारी कंपनियों ने इस संस्था को पैसा दिया वो भी बताता हूँ। जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, LIC, सेल, गेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ हाँ वही बैंक जो अपने ग्राहकों से तमीज से बात करना तो छोड़िए सीधे मुंह बात भी नहीं करते। दोस्तों देश में कांग्रेस की सरकार के समय देश का हजारों करोड़ रुपया हजम कर जाने के बावजूद भी जब इन माँ बेटे का पेट नहीं भरा तो इन्होंने विदेशों से चंदा लेना शुरू कर दिया। 2005 और 2006 में भारत में चीनी दूतावास और चीनी सरकार के जरिए सोनिया गांधी प्राइवेट लिमिटेड को 90 लाख रुपए की मोटी रकम बतौर दान दी गई। अब आप कहेंगे आखिर ऐसा क्यों? आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास तो क्या किसी कांग्रेसी चमचे के पास भी नहीं है, लेकिन हाँ भारत और चीन के बीच लद्दाख में इस समय जो सीमा विवाद चल रहा है उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, उन्हीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक चीन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। चीन से मिले इस पैसे की हमारे देश ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई होगी इसका खुलासा तो केवल राजमाता या उनका मनबुद्धि युवराज ही कर सकता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो के लेकर आपकी कोई भी राय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। जय हिंद।